हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निजा क्लासेज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि सीबीडीटी इनकम टैक्स के अंदर जो आपके एसएससी स्टेनोग्राफर वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो ये देख रहे होंगे काफी दिनों से कि सीबीडीटी के अंदर जो हमारे पास रीजन अलॉट होगा वो किस टाइप से होगा एंड उसका प्रोसेस क्या रहेगा, उसको हम वन बाय वन यहाँ पे आज देखेंगे। अभी तक आपके पास में सीबीडीटी ने कोई भी ऐसा नोटिस नहीं जारी किया है जिसके अंदर आपको ये जो प्रेफरेंस फॉर्म है वो आपको फिल करना है, लेकिन ये जो मैं आपको एक डमी टाइप से बता रहा हूँ जो कि सीजीएल के अंदर आपके सीबीडीटी वालों ने जो किया गया था, सीजीएल के अंदर जो भी करवाया गया था अभी रीजन अलॉटमेंट के समय जो प्रेफरेंस फॉर्म करवाया गया था वो कैसा था, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पर पूरा आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा। ये आपके पास में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक ये वीडियो देखना है, कहीं भी आप इसके ना करें क्योंकि ये जो वीडियो है आपको काफी मदद करेगा। आपको जब आपके पास में नोटिस आएगा उसके समय आपको काफी ये हेल्पफुल रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले गूगल क्रोम खोल लेना है जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, यहाँ पे आपको सीबीडीटी गूगल के ऊपर सर्च करना है सीबीडीटी। उसके बाद जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो आपके पास एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो साइट है वो आपको दिख रही है, वो आपके पास में ओपन हो जाएगी। इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास में एक इंटरफेस होगा जिसके ऊपर ये जो साइड में आपके माउस से मैंने जो दिखा रहा है, माउस से जो मैंने आपको दिखा रखा है व्हाट्स न्यू के अंदर जो भी नोटिफिकेशन आए हुए रहेंगे वैसे ही आपके पास में यहाँ पर स्टेनोग्राफर 2022 के लिए जो सीबीडीटी का प्रेफरेंस फॉर्म है वो दिखाएगा आपको न्यू नोटिस के अंदर। अब ये आपके पास में यहाँ पे अभी तक आपका नोटिस आया नहीं है, जब भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा और मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा जब प्रेफरेंस आपके सामने भरा जाएगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ जो आपके सीजीएल वालों के लिए अलोकेशन दिया गया था उसके ऊपर मैं आपको ये समझाते हुए बना रहा हूँ कि उसके अंदर कैसे रीजन अलॉट किया गया था, वैसे ही इसके अंदर भी वही सेम प्रोसेस रहेगा। तो आपके पास से जो ये दिख रहा है अलोकेशन वाला, तो इसके अंदर होगा क्या, जैसे आप इसके ऊपर सीजीएल वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, आपके पास एक नोटिस सामने आ जाएगा जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये सीजीएल का जब आया था तो उसके लिए वो नोटिस था, इस नोटिस के अंदर एक लिंक दिया हुआ रहेगा जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक अलग ही इंटरफेस के ऊपर लेकर जाके जाएगा जिसके अंदर आपको दिखाई देगा कैंडिडेट लॉगिन आ जाएगा। तो उस कैंडिडेट लॉगिन के अंदर आपको डिटेल्स भरनी है। रोल नंबर, उसके बाद में मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, इस टाइप से आपको इसके अंदर डिटेल्स भरनी है। उसके बाद में आपको डीओबी भरनी है, उसके बाद में आपको इसके ऊपर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो लॉगिन जैसे ही आप कर दोगे अब लॉगिन करने के बाद में आपके पास में इस टाइप से कैंडिडेट प्रेफरेंस का फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आपको दिया हुआ रहेगा सीरियल से आपके पास में नेम ऑफ रीजन क्या क्या है आपके पास में उसको दिया हुआ रहेगा और उसके बीच में जितने भी उसके एरियाज आते हैं उनके बारे में सब कुछ डिटेल्स आपके पास में दी रहेगी। उसके साइड में जो आपको दिख रहा है वो प्रेफरेंस रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स, जैसे पहले आपके यहाँ पे देखिए रोल नंबर आपका पहले से ही फिल आएगा, आपका नाम पहले से ही फिल आएगा एंड रैंक आपकी जो रहेगी वो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा एंड उसके बाद में आधार नंबर यहाँ पे आपको डालने हैं। उसके बाद में आधार नंबर डालने के बाद में जो ये आपके पास में प्रेफरेंस आ रहा है उसको आपको यहाँ पे भरना है। तो अब मैं इसमें बताता हूँ कि जो आपके प्रेफरेंस है उसके अंदर आपको किस टाइप से यहाँ पे डालना है। तो ये जो आपके पास में प्रेफरेंस दिख रही है उसके अंदर आपको यहाँ पे नंबर डालने हैं, जैसे 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, जिस भी प्रेफरेंस पे आपको रखना है उसके बेस पे आपको इसको डालना है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको समझाया भी है कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है उसको मैंने 1 डाल के रखा, यानी मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये चाहिए। उसके बाद में स्टेट ऑफ दिल्ली डाला तो सेकंड प्रायोरिटी ये थी एंड थर्ड जो भी आप डालना चाहें वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इस टाइप का आपके पास में इंटरफेस होगा। उसके बाद हम बात करें
आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितने भी यहाँ पे आपको रीजन दिए गए हैं प्रेफरेंस के लिए, उन सभी को यहाँ पे फिल करना है आपको। उसके बाद में एक और चीज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे जैसे सेम नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे 4-4 डाल दिया आपने, जैसे पहले 4 किसी रीजन के लिए डाल रखा है, तो अगले रीजन को अगर आप 4 नंबर डालेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे आ जाएगा कि आपने पहले से इसको डाल दिया है। तो इस टाइप से आपके पास में ये साइट रहती है जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसको सही से भरेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जैसे ही आप पूरा फिल कर देंगे, उसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है जैसे यहाँ पे नोट में दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये नोट में सेकंड जो पॉइंट है आपके पास में यही दिया हुआ है कि जो आपका फाइनल जो प्रिंट होगा, आप जैसे इसको प्रेफरेंस अगर फिल करके उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट निकालेंगे तो उसको आप कौन सी ईमेल के ऊपर यहाँ पे भेजना है और किस यहाँ पे मतलब आधार कार्ड के साथ में भेजना है और थंब इम्प्रेशन, ये अभी मैं आगे बता दूंगा कि ये क्या होता है। वो आपके पास में नोटिस में दिया हुआ रहेगा, जो आपको शुरू में नोटिस रहेगा उसके अंदर भी आपके पास में ये दिया हुआ रहेगा। तो आप इसको सबमिट करेंगे तो उसके बाद में आपके पास में प्रिंट आपके पास में निकल करके आ जाएगा। जैसे ये प्रिंट आएगा तो आपको इसके अंदर करना क्या है, इस फॉर्म में होगा क्या, आपके पास में जितने भी आपने प्रेफरेंस भरे हैं उनका ऑर्डर रहेगा एंड यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पे पेस्ट और फोटो एंड नेक्स्ट। उसके बाद में आपको नीचे करने हैं आपके सिग्नेचर एंड इस टाइप से ही डिटेल्स रहेगी, उनको आपको यहाँ पे फिलअप करना है, मतलब इसको आप प्रिंट आउट निकाल के इसको फिलअप कर देंगे। उसके बाद में जो ये इसका हार्ड कॉपी है इसको स्कैन करना है एंड आपका जो आधार कार्ड रहेगा उसको स्कैन करना है और जो भी यहाँ पे आपको ईमेल दी गई थी जो आता उसके अंदर और जो आपके पास नोटिस भी आया रहेगा उसके अंदर भी आपको ये ईमेल दी हुई रहेगी, उसके ऊपर जा करके आपको इसको सेंड कर देना है। अब आपके पास जो माइंड में रहेगा वो ये रहेगा कि दोनों को अलग अलग दो ईमेल में सेंड करना है या एक ही में करना है, तो आपको एक ही बार में ईमेल के अंदर दोनों फाइल्स को अटैच करके दोनों को एक ही बार में सेंड करना है, उसके बाद में आपका ये प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अगर आपके पास में जैसे ही CBDT की अपडेट आती है तो उसके बाद में मैं आपको अवेयर कर दूंगा और उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि उसके अंदर कैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरना है आपको। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।